अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन तुम सोच क्या रही हो? जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। कम फास्ट। चलो सुमन जल्दी से। हाँ तुम यहां से नहीं जा सकते नंदन, और अगर तुम यहां से गए तो मैं खुद की जान ले लूंगा। दिखती ठीक है बीपी, मैं घर तो वापस नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ मेरी डेड बॉडी जरूर लेकर जा सकते हैं। नंदन सही कहा तुमने नंदन, अगर यहां से किसी की डेड बॉडी जाएगी तो वो मेरी होगी। अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन जी, क्या हुआ? अंशुमन जी, अंशुमन जी, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा नंदन मेरे भाई। वो कहते हैं कि मरने वाले की आखिरी इच्छा को पूरा करती। नहीं अंशुमन जी, मैंने माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम दोनों को घर लेकर आऊंगा। तुझसे प्रॉमिस किया था कि 24 घंटे में मैं सब ठीक कर दूंगा। जितना प्रॉमिस पूरा करना है यार, उससे पहले मैं मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं होगा दीदी, आपको कुछ नहीं होगा। अगर मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना है, अब नंदन, अंशुमन जी, अंशुमन जी, नंदन, नंदन, अंशुमन जी संभालिए खुद, आपको अपना प्रॉमिस भी तो पूरा करना है ना। संभालिए अंशुमन जी, अंशुमन जी। सुमन ध्यान दे रहा, बिग बी की आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, उन्हें नींद नहीं आनी चाहिए, बस हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। अंशुमन जी आंखें खुद ही रखिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। नंदन जल्दी चलो, अंशुमन जी। सुबह 4 बजे किसका मैसेज? मिथिलेश, डॉक्टर साहब, अंशुमन जी वो ठीक तो है ना? देखिए इनका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, बचने की बहुत कम उम्मीद है। अंशुमन का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस किसी तरह से ब्लड मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। Excuse me. हमें घर पर फोन करके सबको सब कुछ बताना ही होगा। हाँ सुन सुन सुन, हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा तो ही बेहतर है। किसी को फोन क्यों नहीं लग रहा? बाऊजी किसी का फोन नहीं लग रहा है, सारी कोशिशें कर ली। मिथिलेश हमें तो किसी अनहोनी की आशंका लग रही है। लेकिन बाऊजी अंशुमन ने खुद सुरभि जी को फोन करके कहा था कि वो नंदन और सुमन को लेकर आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नंदन और अंशुमन में कुछ भी ठीक नहीं है। अरे कौन सा नक्षत्र पड़ गया है इस घर पर? कौन सी डायन डेला डाल के बैठ गई है इस घर पर? राम लक्ष्मण में ठन गई है? ये दिन देखना बाकी रह गया था बाऊजी। बताइए भाई भाई के खून का पैसा हो गया है, हमारे ही घर में खून खराब हो रहा है, हमारे ही रामायण जैसे घर में वो लड़के के कारण महाभारत छिड़ गया है। अब तो विधाता ही जाने आगे क्या होगा, कौन सी अनहोनी होगा।
नंदन, हम सबका फोन बंद है और अंशुमन जी ने सुरभि माँ को कॉल करके बता दिया था कि वो हम दोनों को लेके घर आ रहे हैं। अगर हमारा फोन नहीं लगा ना तो सब सब परेशान हो जाएंगे नंदन, ये सोचा तुमने? नहीं, कम से कम हमें घर वालों को ये फोन करके बताना ही होगा कि अंशुमन जी हॉस्पिटल में। नहीं सुमन, तुम अच्छी हो इसलिए ऐसा सोच रही हो। अगर हमने उन्हें खबर दे दी ना तो ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं लड़ाई का अखाड़ा बन जाएगा, हर एक बात को बड़ा बनाया जाएगा और मोहरा होगी तुम। उंगलियां सिर्फ और सिर्फ तुम पर उठेगी, तुम्हें कसूरवार साबित कर दिया जाएगा जबकि तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया है। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि यू गॉट इट नाउ। भाभी, इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, इस समय सिर्फ ये जानना जरूरी है कि बच्चे किस हालत में है। जिन बच्चों पर उस लड़की का काला परछाई पड़ गया हो ना देवर जी, उनका बस सही सलामत रहना ही काफी है। अरे वो लड़की इस घर के नाश का कारण बनती जा रही है और सबने आंखों में पट्टी बांध रखा है। माफ करना भाभी, लेकिन हर बात के लिए सुमन को दोष देना ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं आप देवर जी। छुटकी, बोलो ना, तुम्हारी बिटिया नंदिनी सुल्तानगंज से रात के अंधेरे में वो अपनी ननद को लेकर ही घर में आ गई और वो सुमन नंदन को लेके फर्र हो गई। बोलो, दोस्त किसका है? ऊपर से बड़के बहुआ उन दोनों को लेने के लिए गए। छुटकी को सब पता था लेकिन बाकी किसी को कुछ नहीं पता था। सबको इन सब से अलग थलग रखा गया था। बोलिए, दोस्त किसका है? किसका? और भाऊजी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक ही छत के नीचे दो अलग अलग परिवार रह रहे हैं? और वो सब किस वजह से? ये छोटकी की पसंद की वजह से, उस लड़की की पसंद की वजह से। तू किसका छोटकी? क्या सब दोष हमारा है? अगर हम पर दोष लग भी गया तो क्या हो जाएगा नंदन? क्या हो जाएगा अगर लोग हमसे सवाल करेंगे, हम पर उंगली उठाएंगे, हम सब सह लेंगे नंदन? लेकिन भगवान ना करे अंशुमन जी के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो, और घर में किसी को पता भी नहीं चले। नंदन, माथे पर ना एक कलंक लग जाएगा। अरे कलंक तो छोड़ो, क्या हम खुद को जिंदगी भर में माफ कर पाएंगे? काम डाउन, सिट। नंदन, रिलैक्स, काम डाउन। सुमन, बेबी को कुछ नहीं होगा, ओके? मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा बेबी को। लेकिन इस वक्त घर वालों को यहाँ बुलाने का रिस्क नहीं ले सकता मैं। वो यहाँ आएंगे और जैसे कोर्ट मार्शल शुरू हो जाएगा तुम्हारा, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इस समय बस मैं ये इंतजार कर रहा हूँ कि कब डॉक्टर बाहर आए और वो ये कहे कि बिग भी ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं सोचना। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे कहीं तो। अंशुमन जी ने जो वचन दिया उसका क्या नंदन? कमान यार सुमन, वचन वचन से क्या होता है? बी प्रैक्टिकल, ओके? मुझे बिग बी के वचन में फंस कर यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना है, भागना है। सुमन, तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है अच्छे से, मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना, ओके? झमेला? अंशुमन जी की जान खतरे में नंदन, किसकी वजह से? हमारी वजह से ना, और तुम्हें ये सब झमेला लग रहा है? सुमन, वो मेरे भी बिग बी हैं, हम दोनों हैं ना यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं ना उनके ठीक होने का। बहुत सेल्फिश हो गए हो तुम नंदन, तुम्हें खुद के सिवा किसी और का कुछ दिखता ही नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, तुम्हारे दिल में बिग बी के लिए कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, रिस्पेक्ट है, आदर है, इज्जत। और पता है क्यों है ये सब? क्योंकि अंशुमन जी खुद के बारे में नहीं सोचते, वो पूरे परिवार के बारे में सोचते, हमारे बारे में सोचते, तुम्हारे बारे में सोचते, सुरभि माँ के बारे में सोचते। सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते नंदन, लेकिन तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो और किसी के बारे में नहीं सोचते। एक्सक्यूज मी, खुशखबरी, ब्लड का इंतजाम हो गया है, हमने अंशुमन को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, अब उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। मान लेते हैं, सारी हमारी गलती है, ये परिवार जो बिखर रहा है इसमें भी हमारा ही दोष है। बाबूजी, बाबूजी हमें माफ कर दीजिए।
सकती थी, माफ कर दीजिए हमें, सब लोग माफ कर दीजिए हमें। तुर्मी जी नहीं प्लीज, आप किसी से माफी मत मांगिए, कोई गलती नहीं की आपने। सुमन सिर्फ आपकी पसंद नहीं थी, सुमन हम सबकी पसंद थी। हम सभी लोग ये चाहते थे कि सुमन इस घर में बहू बनकर आए, लेकिन विधाता की मर्जी के खिलाफ भला कौन जा सकता है। और अब तो वही होगा जो विधाता को मंजूर है। भाभी क्या कह रही थी आप, एक भाई दूसरे भाई के खून के लिए प्यासा हो चुका है? तो आज आपको बता देते हैं, बुरा मत मानिएगा, यह हमारा खून है, और हमारा खून इतना बदरंग नहीं हो सकता, और ना ही हमारी परवरिश इतनी कमजोर कि एक भाई दूसरे भाई के खून के लिए प्यासा हो जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। सुन लीजिए, आपको क्या हो गया, एक छोटी सी आंधी की आई, आपका विश्वास डगमगा गया। सुरभि जी आपके विश्वास को आप डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि आपका विश्वास मेरी ताकत है, इस परिवार की हिम्मत है, आपका विश्वास उसे डगमगाने मत दीजिए। माफी का आसरा है खाना जी, कान्हा जी हमारे परिवार को बिखरने से बचा लीजिए। कैसे कुछ हो जाता मुझे, तुम सबसे प्रॉमिस जो किया था, तुझसे सुमन से और मां से भी, अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। करोगे ना? जी दादाजी जी, माँ जी क्या हुआ, मेहमान जी क्या हुआ? हमने सुना था कि राय बहादुर खानदान का मान ही माफी में है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक छोटी सी गलती क्या हो गई हमसे, आप लोगों ने हमें पराया ही कर दिया। क्या हम आपके इस घर के दामाद नहीं है? आरती क्या हम तुम्हारे पति नहीं है? मतलब इस घर से हमारा रिश्ता है ना, फिर हम ऐसा क्यों जताया जा रहा है कि इस घर से हमारा रिश्ता नहीं? अरे मेहमान जी, कौन कहा आपको कि इस परिवार से आपका कोई रिश्ता नहीं है? अगर है माँ जी, तो हमें हमारे परिवार को न्योता क्यों नहीं मिला? कैसा न्योता दामाद जी, कौन सा न्योता? दादाजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसा आपको कुछ पता ही नहीं है। मेहमान जी आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं? क्या पता नहीं है? लगता है आप लोगों को सच में नहीं पता है, पुराना टोला मंदिर पर नंदन और सुमन की शादी हो रही है। अंशुमन भैया भी वही है, वही वो शादी करवा रहे हैं।
रामा जी, क्या कहा आपने? अंशुमन नंदन और सुमन की शादी करवा रहा है। रामा जी, आप जानते नहीं हैं, हमारे बेटे अंशुमन ने हमसे वादा किया है कि वो 24 घंटे में सब कुछ ठीक कर देगा और वो उन दोनों को वापस ले आएगा, और आप कह रहे हैं कि वो सुमन और नंदन की शादी करवा रहा है। इसे झूठ मत बोलिए, और अगर ये मजाक है रामा जी, बहुत ही बेहूदा मजाक है ये। छोटी माँ जी, हम क्यों झूठ बोलेंगे, हम काहे मजाक करेंगे। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो मत कीजिए, आप खुद चलकर देख लीजिए। जब आप अपनी आंखों से देखेंगी तब तो विश्वास करेंगी ना। लेकिन जो भी करना है जल्दी करना होगा, अगर देरी हुई तो वो लोग शादी कर लेंगे और फिर आपने अंशुमन भैया के लिए जो भी सपने देखे हैं वो सब टूट जाएंगे। माऊजी, अब ठीक तो है, ठीक है ना? क्या ठीक मिथिलेश, और क्या क्या ठीक नहीं सुना था ही तुमने। बच्चे बड़े हो गए, सही गलत का फैसला खुद लेने लग गए। कहाँ जा रही हो नंदिनी? अरे दीदी, हम मंदिर जाएंगे तो सिंघोड़े की जरूरत तो पड़ेगी ना, बिना इसके नंदन और सुमन की शादी कैसे होगी? नंदिनी ये मुझे दो, छोटी मानी ये सिंदूरा अंशुमन भैया के नाम पे खरीदा है और इस पे हक सिर्फ उनका ही है और सुमन पर भी, और शादी होगी तो अंशुमन भैया और सुमन की ही। नहीं दीदी, नंदन और सुमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी उन्हीं की होगी। नहीं नंदिनी, ऐसा नहीं हो सकता, सुमन अंशुमन भैया के लिए बनी है और छोटी माँ ने अंशुमन भैया के लिए सुमन को पसंद किया था और रिश्ता भी तय उन्हीं का हुआ था। प्यार ने नंदन और सुमन का रिश्ता तो ऑलरेडी जोड़ दिया है दीदी, अब बस उस रिश्ते को शादी के बंधन में बंध रहे और वही होने जा रहा है। ऐसा नहीं होगा नंदिनी, क्या प्यार इतना स्वार्थी होता है कि माँ बाप का सपना, परिवार की मर्यादा सब ताक पे रख दे? माँ बाप के सपने क्या होते हैं दीदी, अपने बच्चों की खुशियाँ ही ना। लेकिन जब बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे अपनी मान मर्यादा बचा के करेंगे क्या? हम कुछ नहीं जानते नंदिनी, हम बस इतना जानते हैं कि अंशुमन भैया जैसे परफेक्ट कोई नहीं हो सकता और अंशुमन भैया की शादी सुमन के साथ ही होनी चाहिए। ठीक है दीदी, तो फिर भगवान पर ही छोड़ देते हैं, देखते हैं कि ये क्या चाहते हैं। राय बहादुर खानदान की मान मर्यादा प्रतिष्ठा किसी बात का कोई ख्याल नहीं, क्या ठीक? बाबूजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। बाबूजी, बाबूजी ये शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये सारी बातें आप ही को तय करनी है। हम ले आएंगे बाबूजी उन्हें, हम ले आएंगे, सब ठीक होगा। अरे तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम, चलिए इस शादी को कैसे भी रुकवाना पड़ेगा, नहीं तो जो मान मर्यादा एक घर के अंदर बिखरा पड़ा है ना, कल ना सारे समाज के सामने उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। अरे चलिए चलिए बाबूजी, चलते हैं, चलिए। नहीं मिथिलेश, अब वहां जाकर और अपमान सहने की ताकत नहीं है हमें, तुम लोग मिलकर जो भी फैसला लोगे हमें मंजूर होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना मिथिलेश, ये जो राय बहादुर खानदान की मान मर्यादा प्रतिष्ठा याद से नहीं है,
कोई भी फैसला लेने से पहले इसकी लाज जरूर रखना। जी जरूर बाबूजी। अरे केदारी गाड़ी निकलवाओ, कहाँ रह गया? अरे कहाँ मर गया? थैंक यू सो मच केतारी, तुम एक कॉल पे आ गए और किसी को कुछ बताया भी नहीं। थैंक यू। ये हनुमान कभी अपने राम जी की बात टाल सकता है क्या भैया जी? मुझे राम मत कहो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ केतारी। जिसका भगवान जैसा बड़ा भाई हो उसे भागने की क्या जरूरत है नंदन? हमारा मन ना अभी भी नहीं मान रहा है। सुरभि माँ से छुप कर बिना परिवार के आशीर्वाद के क्या ये शादी शादी कहलाएगी? हम पिक भी कभी गलत नहीं हो सकते सुमन, ये तो तुम भी जानती हो अच्छे से, है ना? तो ये सब उन पर छोड़ दो ना, गलत को सही करना उन्हें अच्छे से आता है। ओके? गलत हमेशा गलत ही होता है नंदन, उसे सही नहीं किया जाता। हाँ सुधारा जरूर जा सकता है, लेकिन एक प्रश्न हमेशा रह जाता है कि वो पहले गलत था। सुमन यहाँ सुधार की कोई बात ही नहीं है, हमारी शादी हो रही है, हमारे सपने पूरे होने जा रहे हैं, दैट्स इट। नंदन तुम्हें पता है एक लड़की जब शादी के सपने देखती है तो क्या देखती है? अपनी होने वाली सास द्वारा शगुन के रूप में भेजा गया शादी का जोड़ा, जिसे पहनकर ही वो मंडप में बैठती है।